अरे देव जी इधर आइए, क्या हाल है? ठीक है जी, बल्ले बल्ले। कोई स्ट्रैटेजी कुछ सोचा है आपने? स्ट्रैटेजी तो कितने इतने सालों से क्या कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलती, रोडी सबका बाप है अभी तक का। उसमें अगर आप स्ट्रैटेजी बना के जा रहे हो तो आप 50 साल तक ट्राई कर लो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। चलो जी, ऑलराइट, जजेस आपका इंतजार कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। देव जी, रोडीज के साथ हिस्ट्री क्या है तेरी? रोडीज के साथ हिस्ट्री नहीं कह सकता, बहुत बड़ा रिश्ता है मेरा। अब तो मतलब घर वाले कहते हैं कि कहाँ जा रहा है रोडीज, ऑडिशन स्टार्ट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना पापा? कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जाऊँगा। दिल्ली पास में, वहाँ से होके आऊँगा, उसके बाद अभी तक घर नहीं गया हूँ। फ़ोन करे जा रहे हैं, हेलो ये वो, फ़ोन काट देता हूँ। मैं कहा मैं ठीक हूँ, टाइम पे पहुँच जाऊँगा, फ़ोन काट देता हूँ, बस ज़्यादा बात नहीं करता, बजा देते हैं। सिक्स्थ में मैं ऑडिशन स्टार्ट हुए थे, तो मेरी पता लगा था स्टार्ट होने वाला है, तो मेरी सगाई हो गई थी। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला था एक रोडीज पसंद है मेरे को, तो उसको समझ आया, शी रियली लव्स मी। तो फिर शादी के 3 दिन बाद ऑडिशन थे, सारे ऑडिशन जगह पे। पहले रोडीज के साथ हनीमून के आया था मैं, फिर बाद में वाइफ के साथ गया था, मतलब दैट मच क्रेजी है। ऑडिशन तो एक महीने होता है, उसके बाद आप करते क्या हो? मैं अपना काम करता हूँ, मैं लाइक ऑडिशन एक महीने होता है, पर ऑडिशन का जो पूरा नशा 11 महीने तक चलता है। मेरा नाम देव की जगह मेरा रोडी होता है, क्योंकि मेरे फोटोज दिखा चुके होते हैं वो लोग, एंड सब लोग MTV तो सब देखते हैं यार। तो हाँ भाई, हो गया, आ गया, देखा था तेरा मैंने। तो मतलब वो पूरे 11 महीने मेरे साथ वो चलता रहा, रोडी से रिलेटेड बातें चलती रही। हमने तेरे को 1 साल इग्नोर किया, 2 साल इग्नोर किया, 3 साल इग्नोर किया, 4th साल फिर इग्नोर कर दिया, 5वें साल इग्नोर किया, तू 6ठे साल फिर आ गया हर जगह। तो अब हमें समझ में आ गया कि भैया ये बंदे से पीछा नहीं छूटने वाला, इसको बुला लो, इसकी क्या तकलीफ है पता कर लो। अगर आप कह रहे हो कि तो है फिर आ गया के लिए, तो मैं के लिए नहीं आऊँ, दिखाने के लिए आऊँ, मेरे को क्यों तुमने नहीं लिया? अगर इज्जत का सवाल हो गया, नहीं इज्जत का सवाल है बकायदा, आप तो मतलब मूछों पे बात आ गई है। तूने अपने फॉर्म में भी लिख दिया इस बार अब माय लास्ट ऑडिशन। ये मैंने बहुत, ये भी मतलब आदमी के हिल जाता ना कि यार अब इतना गया, इतना गया, इतना गया, पूरा अंदर जब बिल्कुल डल चुका है ना, तब एक आवाज बाहर निकलती है, वो आवाज थी ये कि बस भाई देव, रोडीज क्यों बनना चाहते हो? एक रोडीज स्टार्ट हुआ था जब मेरे को लोग देखते थे, तू रोडी में आया था रोडी में, और बीच में 6-7 में मेरे साथ ये हुआ, मैं रोडीज में आया, देवर लाइक जब मेरा रिएक्शन ओ बिगेस्ट लूजर और रोडी इतना रोडी, मतलब देवर लाइक की मजाक कर रहे हैं मेरे से यार, मतलब रोडी एक रिस्पेक्ट नेम, वो मेरे को कुछ अलग वे में ओ रोडी इधरा और रोडी आ गया, रोडी आ गया, रोडी आ गया। तो मैं ये शो करना है भाई, रोडी मैं गया हूँ ना, तो बंदा नहीं हूँ मैं, सिलेक्ट नहीं हुआ वो अलग बात है, पर मेरे को पता है मैं रोडी हूँ, बट मैं दूसरों की नज़रों में रोडी हूँ, मैं अपनी नज़र में रोडी बनना चाहता हूँ, कि मैं सही में दिखाना चाहता हूँ कि टीवी पे लोग कहते हैं कि यार तू रहन दे, छोड़ तेरे बस की बात नहीं है, मैं दिखाना है मैं हूँ क्या भाई। तेरे को रोडी बनाने का रीजन ये नहीं, बात तो सुनो, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, अच्छा तू हर बार आया, आपको ये नहीं कह रहा कि मैं हजे कह रहा हूँ, इसलिए आप मेरे को रोडी बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता कि आपको बंदे में दिखता क्या है। मैं जिद करके आया हूँ, बनना है रोडी, बनना है, और रोडीज पे अगर बंदा एक रोडी बन चुका है तो उसकी रिस्पेक्ट। अरे भाई 6 साल रिजेक्ट, रोडी बन के आया, रोडी है वो। जो 6 साल में नहीं हुआ इस कमरे में तेरी एंट्री, इस बार हो गई है। 6 साल में क्यों नहीं हुई, इस बार क्यों हुई तेरे हिसाब से? इतना जिद नहीं था मुझ पर, 6 बार मैंने जिद की, पर हमेशा ये सोचा कि अगली बार, इस बार मेरे को अगली बार के लिए नहीं सोचा। हो जाता है बहुत बढ़िया बात है, अपना 100% बोलेंगे, मैं 500% दूंगा। अगर मैं मुंह से चू बोल दूं ना तो कुत्ते की औलाद। मैं तेरा फॉर्म पढ़ा नहीं है, पता इसके 2 रीजन है, उसका एक अच्छा रीजन है, एक नेगेटिव भी। एक नेगेटिव भी है। पॉजिटिव रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है मैं तुझे जानता हूँ, मेरे तेरे फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं, तेरे बारे में काफी कुछ मैं समझ सकता हूँ। इसका नेगेटिव पॉइंट, तू आ गया, कल को अगर मुझे कोई कहेगा ना देव तुझे जानता था इसलिए वो आया अंदर, क्योंकि अगर वो डिजर्विंग होता तो 6 साल में आ जाता। चाहे आपने मेरे को 6 साल से आपने इग्नोर किया, इग्नोर किया, इग्नोर किया, इग्नोर किया, अब अगर आपने कुछ देखा है मेरे में तो वो रियल में दिखाने लायक है, आप फिर आपको किस चीज का घबराना। मैं बस इतना तेरे को बताना चाहता हूँ, आज तो अगर सेलेक्ट नहीं हुआ वो उसका रीजन ये नहीं है कि हम तुम्हें जानते हैं, ठीक है, उसका रीजन ये नहीं है। जो हमारी टीम है हमारे साथ शो बनाती है, मैं एक एक से पूछूंगा, किसको प्रॉब्लम नहीं है वो हाथ खड़े कर दो। Come in.
वापस चले जाओ। अब मैं इस सवाल का दूसरा पहलू भी बताता हूँ। इन्होंने बताया कि उन्हें आपत्ति नहीं है, वो ये नहीं कह रहे कि वो चाहते कि तुम आओ। तू अगर आ गया, खुदा ना खास्ता अगर तू कहीं जीत गया, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? टास्क कराओगे, मैं करूंगा टास्क, उसमें कोई सेटिंग थोड़ी लगेगी। आप मेरा कोई टास्क थोड़ी इजी थोड़ी कर दोगे, वहां पे और भी कंटेस्टेंट होंगे देखने वाले। इन सब ने हाथ खड़े किए कि उनको कोई तकलीफ नहीं है तेरे आने से। हाँ जी, मैं हाथ खड़ा करता हूँ, मेरे को तकलीफ है। आपको तकलीफ है, मेरे को बस ये जानना है कि आपको क्या तकलीफ है और मैं उसको दूर कर सकता हूँ कि नहीं। आज तक बहुत लोग पूछते हैं मुझे, बताओ कि मेरे में क्या कमी है, मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं दिखा आपको। मैं उन्हें आज तक जवाब नहीं देता कि मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुझे मैं दूंगा, तू शुरुआत से हमारे साथ था इसलिए मैं तेरे को बताऊंगा। मुझे तू इंटरेस्टिंग लगता, मुझे लगता नहीं है कि तू शो में अच्छा लगेगा। आप कमरे में बैठ के ये बोल सकते हो दो मिनट, जो मेरे साथ में रहता ना उनसे पूछो कभी। यार ये इसी कमरे में बैठे बैठे ना मैं इतने सारे साल बना चुका हूँ रोडीज के, और हर बंदा उन रोडीज के नाम जानता है। बाकी जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, मेरे को पता मैं इंटरेस्टिंग हूँ, मेरे को हर बंदे से, हर तरीके के बंदे से बात करना आती है। मैं बहुत जल्दी अपने में ले लेता हूँ किसी को भी, तो कैसा भी बंदा हो मैं कर लूंगा। और टास्क की बात है, टास्क तो फाड़ दूंगा मैं। तू फाइनली एक्सेप्ट कर सकता है इस बात को कि तू रूढ़ी नहीं है? मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तेरे लिए इतना कर दूंगा कि मैं इज्जत से, प्यार से बाय बाय बोलूंगा। बाय बाय, दिस इज योर लास्ट चांस, आई होप इसके बाद हम नहीं मिलेंगे। सर आप एक बार देख लीजिए। मैंने तेरे को बहुत देखा देव, बहुत देखा। बाय। क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया? कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर अभी भी कुछ नहीं दिखता तो मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। मैं जानता हूँ कि किसी की ज़रूरत हमारी जिम्मेदारी नहीं है और रीज़न नहीं है रोडीज में लेने का, मगर अगर पैशन की बात है तो इस बंदे को और कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ वेरी पैशनेट। बंदा डिजर्विंग है तो आप उसको नहीं ले रहे हो तो सबसे बड़ी गलत बात है। इसको लगता है हम इग्नोर किए। मैं जानता हूँ, हर साल मैंने इसे देखा है, हर जगह मैंने इसे परखा है, कुछ ना कुछ मेरे को कमी लगी है इसलिए नहीं लिया। ठीक है, अब ये आग में जल के अजीब से टेम्परेचर में आ गया। ये हो सकता है कि मैं बाकी सारे रोडीज को इससे भिड़वा दूँ और ये जीत जाए। चाहे मेरा हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, सर फट जाए, मैं कर लूँगा। वो अगर आएगा अपने बलबूते पे आएगा, चाहे लोग कुछ बोले, वो तो वैसे ही लोग बोलेंगे यार। नहीं, मेरी रिस्पेक्ट मत करो यार, मेरे को मेरी रिस्पेक्ट कमाने दो। मेरे को लगता है इसका जुनून यही है, ये इज्जत पे लेके बैठ गया। कह रहे मूंछ पे बात आ गई है मेरी कि मेरे को बनना है। एक बार ये शो पे आ गया ना, उसकी वो प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद क्या? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह।